हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ। आज सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया था, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो सबसे पहले गर्म पानी गुनगुना करके पी रहे हैं, और उसके पहले हमने थायराइड की दवा ले ली है, मंजन ब्रश कर लिया है, और अभी घर के ही कपड़े में है। तो सबसे पहले उठ के ना सारे जो अपना होता है, मंजन ब्रश करना, दवा लेना, मुंह धुलना, तो ये सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जो भी पहनना होता है वो पहन के बाग पे निकल जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5, लाइट जल चुकी है। देखिए अभी लाइट जल रही है, अंधेरा है, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, हल्का हल्का उजाला हो चुका है। तो हम जा रहे हैं वॉक पे। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जब इस तरीके का मौसम होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ वॉक पे चलिए। सुबह के टाइम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी बातें आप लोगों से होंगी बाद में, पहले वॉक हो जाए, क्योंकि बच्चों का टिफिन भी बना के देना है। आज ज़्यादा काम नहीं है, शॉर्टकट है टिफिन में, तो इसलिए थोड़ा लेट से टहलने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं टहलेंगे, आधा घंटा टहलेंगे और फिर तुरंत घर वापस आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ टहल लें, बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाया करिए वॉक पे, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट ज़रूर वॉक पे जाएं। आज बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि गौरी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी। तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा उजाला हो जाएगा तब चलते हैं टहलने। तो उजाला हल्का हल्का हो चुका है। ऐसा होता है ना, जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो कहते हैं ना आलस आलस लग जाता है, जब स्कूल होता है ना तो टाइम से उठ जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अभी उठते हैं, अभी जाते हैं। तो एक बार हम उठे थे 4 बजे, फिर थोड़ी देर लेट गए, फिर 4:30 बजे उठे, फिर 4:30 बजे जब उठे तो उठ ही गए, क्योंकि होता क्या है ना, आधा घंटा तो लग जाता है मंजन ब्रश करते, पानी पीते, इधर उधर शूज पहनते, तो इन सभी चीज़ों में टाइम बीत जाता है। और देखिए इतनी बढ़िया हरी हरी घास है ना, सुबह के टाइम ना जो घास है ना उन पे सीत पड़ी होती है, और सीत जब पड़ी होती है ना तो उस पे चलने में इतना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। सीत जब हमारे पैरों में लगती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम हाउसवाइफ क्या होता है ना, सारा दिन काम करते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कितना सुंदर सुंदर हरी हरी घास है। देखिए इस पे चप्पल उतार के, जूता उतार के ऐसे चलने में, देखिए आजकल टहलने जाती है ना तो इतना ज़्यादा सन्नाटा रहता है, पता नहीं क्यों, कोई भी नहीं दिखता दूर दूर तक, मुझे डर भी लगता है कभी कभी। लेकिन हाँ, अब उजाला हो चुका है तो अब डरने की कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों, या फिर अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, गार्ड लोग अंदर नहीं आने दे रहे हैं, या फिर बारिश की वजह से, पता नहीं रीज़न क्या है, मुझे खुद नहीं पता। और रीज़न पता लगाने कौन जाए, तो इससे अच्छा है कि अपना टहल के चले जाओ। और सुबह का मौसम इतना प्यारा सुहावना हो चुका है कि क्या बताएं। आज थोड़ा लेट से ही आए, सुबह हो चुकी थी, उजाला हो चुका था। सुबह लेट आने का कारण ये था कि बच्चों का स्कूल बंद था, बच्चे अपने आप में ही छुट्टी कर लिए थे, और पूरी सड़क पे मेरा ही राज है, चाहे उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, जैसे मर्जी वैसे चलो। और सुबह का टाइम जो अपने लिए निकाल के मुझे खुशी मिलती है, पूछो मत। इतनी लंबी सड़क वहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लंबी, इससे ज़्यादा लंबी सड़कें होती हैं, मतलब बहुत बहुत लंबी लंबी, 4 रोड होती हैं और बीच में फील्ड होता है, तो यहाँ पे चारों सड़कों का एक राउंड लगा लो ना तो 2 किलोमीटर हो जाता है। घर आके वापस गर्म पानी किया है, हस्बैंड के लिए चाय बनाई है, बच्चों के लिए नाश्ता लगा देंगे, आजकल बच्चों का यही लगभग लगभग नाश्ता होता है, बहुत कम ही चाय पीते हैं, और अच्छा होता है, बच्चे चाकू खा लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। अच्छा, आप लोगों में से एक कमेंट आ रहा था कि क्या हम कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं वेट लॉस के लिए, हालांकि हमने तो कभी नहीं खाया है कॉर्नफ्लेक्स, बच्चे खाते हैं, और मुझे नहीं पता इससे वज़न कम होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि जो चीज़ कभी खाया नहीं है उसके बारे में क्या बताएं। और घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो काम जल्दी जल्दी हो चुका है, क्योंकि टिफ़िन बनाना नहीं था,
तो टिफिन का काम छोड़ के सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद आज सब्जी में बनेगा कद्दू। कद्दू हमारे यहाँ लेडीज नहीं काटती हैं, लड़की नहीं काटती हैं, कद्दू को बॉयज़ लोग ही काटते हैं या फिर मर्दाना लोग, जेंट्स लोग, जो भी कहें आप वही काटते हैं। और उसके बाद सब्जियों की कटिंग भी हस्बैंड ही कर दे रहे हैं। आलू हमने छील दिया है, लहसुन प्याज हम छील रहे थे, कद्दू की कटिंग वो कर रहे थे। तो कहे कि जब कद्दू काट ही दिया है तो लाओ चॉपिंग कटिंग कर देते हैं, तो बढ़िया है। और वैसे भी शिमला मिर्च की कटिंग कर देते हैं। दो तीन सब्जियां ऐसी हैं जिनको नहीं कट कर पाते, जैसे लौकी है, तरोई है, नेनुआ है, ये सारी सब्जियाँ नहीं कट कर पाते हैं। आज पूजा के लिए लेट हो रहा था क्योंकि आज सारा काम लेट लेट हो गया। सुबह लेट से उठो ना तो सारा काम लेट हो जाता है। आप लोग पूछते हैं इतना जल्दी क्यों उठ जाते हो। देखो जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो खुद के लिए टाइम निकल जाता है, घर के सारे काम टाइम से हो जाते हैं, मुझे यूट्यूब के लिए भी टाइम मिल जाता है, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करने के लिए, तो मतलब बहुत सारे टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। आजकल ये पिंक कलर की लिपस्टिक लाए हैं, नई लाए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और जब मुझे खीर बनानी होती है ना तो मुझे याद आता है कि इलायची तो मेरे घर में ख़त्म हो चुकी है, तो लौंग डाल दिया है इधर इधर, सब्जी छौंक देंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, उसके बाद इसमें तड़का मेथी प्याज हरी मिर्ची लहसुन डाला है। तड़का अच्छे से पक जाने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। कद्दू की सब्जी बहुत ही यमी होती है। एक बार खट्टी मीठी सब्जी बना दिए थे ना, तब से मेरे बच्चे को पता है कि ना कद्दू मीठा होता है, मतलब इसमें गुड़ डाल के बनाते हैं, एक अलग तरीके से खट्टी मीठी सब्जी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जब से वो सब्जी बच्चे खाए हैं ना तब से उन लोगों को लगता है कि कद्दू मीठा होता है। और यहाँ पे काबली चने डाल दे रहे हैं, ये बॉयल्ड उबला हुआ काबली चना है। तो कद्दू और चने की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे आप छोटे वाले चने उबाल के डाल दें, चाहे ये काबली चने उबाल के डाल दें, साथ में नमक। यहाँ पे हमने डाला है सब्जी मसाला किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सारे मसाले ऐड करके आप इसमें लाल मिर्ची ऐड कर सकती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकती हैं, अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, और इसमें ना थोड़ा सा आप खटाई भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हम क्या ऐड करते हैं वो लास्ट में आपको बताएंगे। तो बस इसको ढक देते हैं पकने के लिए, और ये पकता रहेगा तब तक हम खीर में चावल डाल देते हैं। ये छोटे वाले चावल हैं जो चावल से झार के निकाले जाते हैं, छोटे दाने वाले चावल वही हैं, इनको धुल के रख दिया आधा घंटा पहले। छोटे दाने के चावल से खीर इतनी बढ़िया छोटी छोटी बनती है जैसे साबूदाने की खीर बनी हो। तो बस चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इधर सब्जी में हम एक कटकी और टमाटर डाल देंगे। टमाटर की जगह आप अमचूर पाउडर, खटाई कुछ भी डाल सकती हैं, आप टमाटर भी डाल सकती हैं। तो बस टमाटर डाल के इसको ढक देना है, बीच बीच में खीर को भी देखते रहना है, चलाते रहना है, और इसको अच्छे से पकाना है। खीर जितनी ज़्यादा पकाएंगे, गाढ़ी गाढ़ी होएगी ना, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो बस इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, आधा कप चीनी डाला है, और इसमें थोड़ा सा ना कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। उसके बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, काजू बादाम किशमिश छुहाड़ा और क्या कहते हैं वो एक हरा हरा और आता है उसको भी डाल सकते हैं, पिस्ता, हाँ। उसके बाद ये इसको पकने देते हैं अभी गैस पे, और उसके बाद आटा लगा लेते हैं। तो आज बनेगी मीठी पूरियाँ, कद्दू की सब्जी के साथ मीठी पूरियाँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बच्चे तो बच्चे, मुझे भी पसंद आती है। तो आटा हम लगा रहे हैं, ये गुड़ होता है ना, गुड़ भेली जिसको कहते हैं, गुड़ को फोड़ के पानी में घोल दिया है, बस उसी के पानी से आटा लगा दिया है। तो बस आटा गूंथ के तैयार है, एक बार सब्जी फिर से देख लेते हैं। सब्जी एकदम पक करके डन हो चुकी है, टिमटिम लग रही है ना, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं, और बस एक बार धनिया की पत्ती को मिक्स कर देते हैं, इसको खाली कर लेते हैं दूसरे बाउल में, और कढ़ाई को साथ साथ में ना बर्तन भी धुलते रहते हैं, कढ़ाई भी धुलते रहते हैं कभी कभार, और कभी कभार जो है नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पे खीर बन के रेडी हो चुकी है, इसको भी गैस बंद कर देते हैं, फटाफट से पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। और ये गुड़ की पूरियाँ जो होती हैं ना, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, और फूलती बहुत अच्छे से हैं, कभी आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और इसको ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तो अचार के साथ खाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सफ़र में आप पूरियाँ मीठी और अचार ले जाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बस बच्चों के लिए खाना सबसे पहले लगा देते हैं। अभी इसमें खीर में ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, बच्चे भूखे थे तो हमने सोचा सबसे पहले उनको खाना लगा देते हैं। ये रही हमारी कद्दू की सब्ज़ी, लग रही है ना बढ़िया टिमटिम। पूरी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ। और यहाँ पर हमने पिस्ता डाल दिया है थोड़ा सा खीर के ऊपर। खीर कितनी बढ़िया, जैसे साबूदाने की खीर लग चुकी है। आ जाइए आप सब लोग भी, थाली लग चुकी है खीर, कद्दू की सब्जी और मीठी पूरियाँ। मतलब बहुत ही स्वाद बना था, बहुत दिनों बाद ये बना था लंच हमारे घर में। काफ़ी दिन से नहीं बनी थी कद्दू की सब्जी, तो हमने सोचा चलो आज कद्दू की सब्जी बना देते हैं। पूरा खड़ा कद्दू आता है जब मेरे घर में आता है ना, तो कटा कटाया हुआ कद्दू नहीं आता है, पूरा कद्दू आ जाता है। पहले तो बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता था, लेकिन जब से बता रहे हैं ना मीठा कद्दू बना दिया है, तब से बच्चों को ऐसा लगता है कि कद्दू मीठा होता है, वो लोग खाना ही छोड़ दिए। तो बस एक पूड़ी खाई, हमने सोचा चलो थोड़ा सा खीर खा लेते हैं, तो दो पूड़ियाँ खाई थी, ज़्यादा नहीं खाया था। अब आप लोग ये मत कहना कि दीदी ने, आपने तो खीर खा ली, आपने पूड़ियाँ खा ली, तो हमने कब मना किया है कि आप पूरी मत खाओ, खीर मत खाओ। देखो खाओ, सब कुछ खाओ, बस लिमिट में खाओ। कैसे होता क्या है ना कि जब हम पूरियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं तो लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं, कहीं 3-4 पूरियां खा लेते हैं, 5 पूरियां खा लेते हैं, 2-3 प्लेट खीर खा लेते हैं, तो लिमिट से बाहर हो जाता है। आप सब कुछ खाएँ लेकिन लिमिट में रह के खाएँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, कभी कभार ही बनता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी फुर्सत हो रहे हैं आज, हमने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो 1 मिनट भी शांति नहीं रहती है। आज बच्चे घर पे हैं, उनका स्कूल जाने का मन नहीं था। फिलहाल स्कूल खुला है लेकिन वो लोग स्कूल गए नहीं है, तो हमने सोचा आज मौसम भी बहुत अच्छा था, प्यारा था, बारिश हो रही है, तो आज कुछ ना थोड़ा सा अलग बनाया जाए। पूरियां, वैसे तो बच्चों का मन है कि पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़ा, ये सब खाने का, तो ये सब तो था नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर से सामान कोई आ नहीं सकता था, तो घर में जो अवेलेबल था हमने उसी से पूरी सब्जी खीर बना दी है, तो बच्चे इंजॉय किए हैं। और कद्दू के सब्जी के साथ मेरे यहाँ मीठी पूरी सबको पसंद आती है, तो आज हमने भी खाई है 2 पूरी, थोड़ी सी खीर और सब्जी। अपने लिए कुछ नहीं बनाया, आज नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि आज ना जब टहल के आए उसके बाद सो गए थे, बारिश हो रही थी, बारिश में थोड़ा सा भीग गए, और हमने सोचा आज बच्चों का स्कूल है नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उठेंगे, फिर काम होगा, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो बहुत ही जल्दी रहती है, तो आज इसी की वजह से सब कुछ लेट 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 होते चला गया। तो हमने सोचा कि अब हम भी लंच कर लेते हैं इसी टाइम पे, और तब आपसे, आप सभी से बातें करते हैं, क्योंकि लंच करने का टाइम हो चुका है। तो आज तो सिंपल सा यही बना था, जो मतलब कि पूड़ी, सब्जी और खीर बनी थी। अब देखते हैं शाम को क्या बनेगा, क्योंकि दोपहर के बनने के बाद यही होता है, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, सुबह में क्या बनेगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, बच्चे मुंह बनाते हैं, कुछ कुछ चीजें बच्चों को पसंद आती हैं, कुछ कुछ नहीं पसंद आती हैं। आज लाइट है नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा था, पड़ा है, धुल दिया है हाथों से, बस सुखाने वाला काम था, क्योंकि बारिश हो रही है तो अंदर कपड़े तभी डाले जा सकते हैं जब उनका पानी निचोड़ दिया जाएगा अच्छे से, तो ड्रायर में डाल के रखा है, सोचा था लाइट आएगी, तो अभी बात बता रहे हैं हस्बैंड की आज फॉल्ट हुआ है, लाइट आएगी नहीं, बन रहा है, देखेंगे कब तक आता है। और ये वाली लिपस्टिक जो हमने पिंक कलर की लगाई, इतना मस्त है, इतना सुंदर है कि पूछो मत, और ये भी वाटर प्रूफ है, उस दिन गए थे ना लिपस्टिक लेने, तो ये वाली पिंक कलर की लिपस्टिक लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं ना क्योंकि मुझे मायके जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, ये सब आप लोगों को बाद में बताएंगे, बस मायके जाना था 1-1.5 महीने बाद, तो हमने सोचा चलो अभी इतनी जल्दी तो खत्म होगी नहीं, कम से कम ये 1.5 साल चलेगी, तो एक हल्का कलर का ले लेते हैं, डार्क कलर के ढेर सारे थे तो हमने सोचा हल्का कलर का ले लेते हैं, तो हल्का पिंक कलर का है, बहुत ही ज्यादा मतलब सुंदर लग रहा है मायके में लगाने के लिए, क्योंकि मायके में डार्क कलर लगा नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, तो इसलिए हल्के कलर के लिए है। बातें आप सबसे ढेर सारी होंगी, लेकिन अभी जो है ना थोड़ी देर कर लेते हैं आराम और अपना काम कर लेते हैं। आप लोग पूछते हो आप सोते हो, देखो सोने का तो टाइम मेरे पास होता नहीं है, लेकिन हाँ आधा घंटा 15 मिनट आराम जरूर कर लेते हैं, तो आराम कर लेते हैं, आप अपने बाकी के सारे काम निपटा लेते हैं, आप लोग उनसे सीधा मिलेंगे शाम को। हाँ बंद हो गया।
अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। थोड़ा सा स्प्राउट पड़ा हुआ था, इसको कोई खा नहीं रहा था। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अंकुर आ चुके हैं। बेटा भी खाता है स्प्राउट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो इसमें प्याज काटा है, थोड़ा सा खीरा काटा है, हरी धनिया, हरी मिर्ची, काला नमक, नींबू डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस थोड़ा थोड़ा बच्चों को देंगे, थोड़ा थोड़ा हम खाएँगे। बस स्प्राउट खा के आज टहलने चले जाएँगे। आज सुबह भी हमने नाश्ता नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि जब बच्चे घर पर रहते हैं ना तो सारी जल्दबाजी होती रहती है, ये काम वो काम। और जब हम लेट खुद ही उठते हैं ना तो मेरा सारा काम लेट लेट होता जाता है। तो बस स्प्राउट खाया और निकल चुके हैं टहलने। शाम के टाइम 5 बजे आजकल जाते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और सन्नाटा रहता है ना, कोई दिखता नहीं है। तो ये होता है सुबह जल्दी या फिर शाम को जल्दी टहल के घर आ जाओ, दिन मतलब उजाला रहे तभी। ये देखो पूरा सन्नाटा, कोई नहीं दिखता। पता नहीं क्या रीज़न है, आजकल कोई टहलने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, काम में व्यस्त रहें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को